नया साल है मेरे सभी साथियों के साथ की तरफ से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं वेल थैंक यू भाई एंड तो तो नए साल में संकल्प क्या है आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन आई थिंक रेजोल्यूशंस टूटने के लिए बनते हैं रेजोल्यूशन तो हम लोग हर साल लेते हैं कोई ना कोई बट uh, ऐसा कोई रेजोल्यूशन मैंने लिया नहीं है फिलहाल नॉट रियली मैंने सोचा भी नहीं बट हाँ न्यू ईयर है न्यू बिगनिंग है सो आई वुड जस्ट वॉन्ट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और क्षेत्रवाद करते हुए मैं अपने बिहार वासियों को खास देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछूंगी बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ लूँ की शायद आपने इसका जवाब दे दिया है बट अगेन मुझे एक प्राउड मोमेंट जानना है जब आपके पेरेंट्स आप प्राउड थे आप खुद आप पे प्राउड थे एक्सेप्ट फॉर इलेक्शंस अगर आप इलेक्शंस छोड़ दें प्रोबली बचपन का कोई स्टेज शो हो सकता है आपकी मूवी रिलीज हो सकती है या फिर uh, कोई ऐसा मोमेंट जो हम में से किसी को ना आइडिया होस इट वु पापा अब मैं समझ सकता हूँ कि भाई जब आप राजनीति में होते हैं तो आपकी व्यस्तता कितनी ज्यादा होती है उस वक्त मुझे इस बात का इतना एहसास नहीं था पर उसके बावजूद uh, पापा रेगुलरली मेरे सेट पे आते थे घंटों वहां पर बिताते थे जब शूट चल रहा होता था एंड स्पेशली एक दो गाने के वक्त जब हम लोग कट्टो गलेरी शूट कर रहे थे या एक और नीरू के साथ गाना था उस वक्त पूरे पूरे समय तीन तीन दिन के स्कड्यूल पे पापा वहाँ पे रहे सो आई थिंक जब ये पूरा हो रहा था और जब म्यूजिक लॉन्च पे मुझे लगता है कि पापा वाज वेरी प्राउड फैमिली वाज वेरी प्राउड बॉलीवुड से अभी भी कोई दोस्त है आपका बात कंगना है, जी हैं बात अभी नहीं होती है ना इनको मुझसे ज़्यादा पता है <laughs> नहीं आपने कहा था नहीं लेकिन सर मुझे आपसे जवाब चाहिए मुझे नहीं डेफिनेटली यस जिनके साथ मैंने काम किया उनके साथ तो दोस्ती है ही और बॉलीवुड में सिर्फ एक्टर्स ही नहीं कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं आज की भी तारीख में टच में हूँ एंड डेफिनेटली मेरे को एक्टर्स तो हैं जिनके साथ एंड थैंकफुली आज की तारीख में भाई मैं आज शूट नहीं कर रहा कंगना के साथ नहीं तो आज तो उन्होंने नेपोटिज्म का जो फ्लैग बेयर बनी हुई है रोज मुझे ही गाली पड़ती कि तुम्हारी वजह से ही जिंदगी बर्बाद हुई है अच्छा, okay. <laughs> हम बहुत देर से की बात तो कर रहे हैं। uh, जिस, बीजेपी वो परिवारवाद बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है आपका क्या ओपिनियन है पहली बात आपके हिसाब से नेपोटिज्म और बीजेपी की जो डेफिनेशन है में कंसेप्ट रहा ही नहीं है एंड स्पेशली फील्स लाइक दिस जो कि uh, uh, जि, पब्लिक जिसका आधार जनता का समर्थन है uh, मैं मानता ही नहीं कि इन जगहों पे नेपोटिज्म uh, कोई कारण हो सकता है बिकॉज जनता आपका भविष्य निर्धारित करती है देखिए कि कि किसी uh, बड़े व्यक्ति का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है पर आपकी काबिलियत नहीं सौभाग्य से आपको मौके मिल सकते हैं पर आपकी काबिलियत ही आपको वहाँ पर वो पहचान दिलाएगी मुझे एक अर्ली एंट्री जरूर मिल सकती थी बट यहाँ पे बने रहने के लिए एक चुनाव शायद मैं पापा की वजह से लड़ पाया बट दूसरे चुनाव में तिगुने मार्जिन से मेरी जीत हुई तो कहीं ना कहीं मेरी भी काबिलियत को उसका श्रेय मिलना चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि इन क्षेत्रों में नेपोटिज्म कोई फैक्टर रहता है बॉलीवुड भी उनमें से एक है भाई बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके बच्चे आज की तारीख में कुछ नहीं कर पाए बड़े बड़े राजनेता हैं जिनके बच्चे आज की तारीख में राजनीति में कुछ नहीं कर पाए क्योंकि जनता यहाँ पे आपके भविष्य को निर्धारित करती है पर सर एंट्री तो कही न, कहीं ना कहीं इजी होती है ना ये तो आप मानेंगे बट पे एंट्री इजी होती है वहीं पे आ, आपके भी संघर्ष और बढ़ जाते हैं मैं अगर अपना ही जिक्र करूं मेरी लड़ाई बाहर में तो बाद में है पहले मुझे अपने ही पिता की छवि से लड़ाई लड़नी है और ये सोचिए मतलब जस्ट इमेजिन ये कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है एक बेटे के लिए एक बेटी के लिए फॉर दैट मैटर आज की तारीख में मुझे किसी बाहर वाले से तो बाद में कंपेयर किया जाता है मुझे मेरे ही पिता से कंपेयर किया जाता है और मुझे अपने ही पिता के सामने छोटा दिखाया जाता है पापा के बारे में अरे वो तो बहुत सहज थे सबसे बड़े अच्छे से मिलते थे चिराग नहीं है चिराग एरोगेंट है उनकी तो मांस अपील बहुत थी चिराग किया जाता ही नहीं लोगों के बीच में इसका तो लोगों के बीच में कोई है ही नहीं अपील ही नहीं है वो क्या है वो बहुत मधुरवासी थे चिराग क्या है बहुत रूठा बोलता है या बहुत हार्श इसके वर्ड्स हैं तो आपको आपकी पिता की छवि के सामने ही छोटा दिखाया जाता है सो so, ये सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट आपकी लड़ाई को और ज्यादा डिफिकल्ट कर देती